आज हम जा रहे हैं दिल्ली के टॉप रेटेड सैलून्स में जानने के लिए कि वहाँ की सर्विसेज वर्थ इट होती हैं या नहीं, और ऐसे कौन सी सर्विसेज हैं जो आपको सैलून से करवानी चाहिए। चलो मिशन पे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं एक लग्जरी सैलून पे जहाँ पे हम करवाएंगे अपने फेस पे स्किन लेजर और साथ में हम करवाएंगे हेयर की पीआरपी ट्रीटमेंट। चलो तो हम पहुंच गए नोएडा एक लग्जरी सैलो में, जहां पे पहुंचते ही हमारे फेस का एक स्किन टेस्ट हुआ जिसमें पता लगा कि स्किन की बैंड बजी हुई है, और फिर उसके बाद वो एक छोटे से रूम में ले गए जो कि थोड़ा सा पहले शुरू में शेडी लग रहा था, और फिर लिटा के एक बाल पीछे करने के लिए टॉवल बांध दिया फेस पे, एंड उन्होंने स्टार्ट किया फेस पे क्लेंजर लगाने से, एंड फिर उसको बड़े प्यार से साफ करने के बाद उन्होंने एक चारकोल फेस और फिर वो चारकोल मास्क को सूखने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जितनी देर वो चारकोल मास्क सूख रहा था तब तक उन्होंने मेरा एक ब्लड सैंपल ले लिया जिसमें से वो बाद में प्लेटलेट्स अलग करेंगे। फिर दीदी ने एक आई मास्क से मेरी आंखें कवर कर दी और फिर शुरू किया एक बहुत दर्दनाक प्रोसेस मेरे फेस पे लेजर मार के ऊपर वाली लेयर को जलाने का। इस लेजर का शायद ये फंडा था कि जहां जहां चारकोल लगा हुआ है वहां वहां ऊपर की स्किन फट जाएगी, और यहां पे मेरी आंखों के ऊपर टिश्यू पेपर है तो आपको पता नहीं चल रहा लेकिन अंदर से आंसू छूट रहे थे, बहुत दर्द हो रहा था। फिर दीदी ने बचा हुआ रेजिड्यू साफ कर दिया और एक बढ़िया सा मॉइस्चराइजर लगा दिया, फिर एक ठंडा सा मास्क लगा के छोड़ दिया। इतनी देर में जो हमारा ब्लड लिया था उसकी करके उसमें प्लाज्मा बना लिया, और फिर मेरे को पसीने बहुत आ रहे थे तो पंखा मार के सुखाना पड़ा मेरा मास्क, और जब तक बचा हुआ मास्क सूख रहा था तब तक मेरे बालों में एक नंबिंग क्रीम लगा दी ताकि बाद में हेयर की ट्रीटमेंट करवाते हुए मेरे स्कैल्प पे दर्द ना हो, और फिर मास्क हटाया प्लाज्मा तैयार किया और बालों में जाके इंजेक्शन से पेलना शुरू कर दिया ब्रो। और ये तो सबसे दर्दनाक था जो एकदम टेम्पल वाले एरिया में सुई मार दी, फिर छोटी छोटी नीडल से पूरे स्कैल्प पे मेरा ही प्लाज्मा मेरे अंदर वापस डालना शुरू कर दिया, और यही फंडा होता है हेयर पीआरपी का, आपके ही ब्लड से निकले हुए प्लाज्मा को वापस डाल देते हैं आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर में। अब हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं क्योंकि बालों में लगा हुआ है नंबिंग क्रीम और फेस का क्लीनअप कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं पी रहा हूँ आइस कॉफी, और तू क्या पी रहा है? कोल्ड कॉफी, सॉरी हॉट कॉफी। हॉट कॉफी पी रहे हैं, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। तो यार ये करवा के तो मजा आ गया एकदम, मैं इसको रेट करूंगा इतना। और अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट सैलून पे जो कि है हमारा घर, और वहां पे हमारी हेयर कट अपॉइंटमेंट। तो चलो अब टाइम है हेयर कट का, और अगर आपको इसका हेयर कट वाला पार्ट भी देखना है और जिस वीडियो में हमने ये भी आंसर करे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने हमसे पूछे थे हेयर स्टाइलिंग के बारे में, और शानू भाई ने भी आंसर करे हैं, तो वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। और शानू भाई अगर लोगों को सही में भरोसा नहीं है बिल्कुल भी अपने आसपास वाले हेयर स्टाइलिस्ट का, वो दूर तक आना चाहते हैं सिर्फ एक अच्छे बाल कटवाने के लिए, तो वो कहाँ आ सकते हैं बताओ? तो आप ही बताओगे। आप जा सकते हो हेयर टेक जो की है विवेक विहार में, जहाँ पे शानू भाई होंगे। बट शानू भाई की अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, आपको शानू भाई नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी मिलेगी। तो आप कटवा सकते हो वहाँ पे बाल, और वहाँ पे मतलब वो तो ये मेरी गारंटी है कि अच्छे कटेंगे आपके थ्रू, जो भी आएगा सबको मिलेगी, जो भी मेरे थ्रू आएगा उसको मिल रही है, तो मेरा नाम ले देना वहाँ पे, ठीक है? मैं नीचे एड्रेस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हो गया हमारा हेयर कट, ये वाली सालो सर्विसेज भी हमने रिव्यू कर दी, मेरी रेटिंग। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट वाली पे। मस्त हेयर कट हो गया है और अब हम जा रहे हैं दिल्ली के जाने माने सैलून पे, थोड़े हाथ पैर भी सही करवा ले और साथ में फेस क्लीनअप वगैरह भी करवा लेते हैं, थोड़ा सा फेस मसाज भी हो जाएगी। तो चलो वहां चलते हैं रिव्यू करने। तो हम पहुंच गए साउथ दिल्ली में एक शानदार से सैलून पे, जहां पे जाके हमने शुरू करवाया एक फेस क्लीनअप। तो कपड़े बचाने के लिए पहले टॉवल लगा दिया और बाल बचाने के लिए ऊपर एक स्ट्रैप लगा दिया, और फिर एक प्री क्लेंजर से शुरू करा जो कि बेसिकली फर्स्ट स्टेप है कुछ भी फेस ट्रीटमेंट का, और फिर बहुत शानदार तरीके से उसको हटाया और फिर फेस पे एक माइक्रोफोलिएंट लगा दिया। इससे बेसिकली थोड़ी थोड़ी एक्सफोलिएशन होगी फेस पे ताकि ऊपर की डेड सेल्स निकलते रहे, और फिर एक गर्मा गर्म टॉवल मेरे फेस पे रख दिया, अंदर से आंसू आ रहे थे भाई इतना गर्म था, बट इससे पोर्स खुल जाएंगे तो बढ़िया है। फिर जब पोर्स खुल गए तो फेस पे एक स्केलिंग जेल लगाया और मेरे नाक पे जितने ब्लैक हेड्स थे वो निकाल दिए, और क्योंकि अभी ओपन पोर्स थे फेस पे तो उन्होंने एक अच्छा सा सोल्यूशन लगा दिया जिससे कि पोर्स बंद हो जाएं, और फिर फेस पे कोई जलन वगैरह ना हो इसलिए एक सूदिंग क्रीम भी लगा दी। और भाई साहब फिर चाची ने क्या मस्त मसाज जेल लगा के जो फेस की मसाज करी है ब्रो, मजे ही आ गए एकदम, मतलब इतना रिलैक्स हुआ मेरे को, जिंदगी हो तो ऐसी हो। और फिर एक बेसिक सा फेस पे मास्क लगाया और नेक को भी कवर किया, और साथ में आईज के ऊपर एक बहुत शानदार सा आई मास्क लगाया, और वो हटाने के बाद मेरी स्किन एकदम हाइड्रेटेड हो गई, और उसके बाद बल्कि चाची ने टोनर भी डाला एंड सीरम भी लगा दी, तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए स्किन को, और फिर एंड किया थोड़े से SPF यानी कि सनस्क्रीन के साथ ताकि मैं इसके बाद बाहर जाऊं तो दिक्कत ना हो मेरी स्किन को। और जितनी देर मैंने अपना क्लीनअप करवाया ऋषभ ने अपने बाल धुलवा के एक बढ़िया सा हेयर कट भी करवा लिया, और जब उसका स्टाइलिश सा हेयर कट हो गया तो वो कहता है अब मैं ज्यादा कूल दिख रहा हूँ, अब मेरे पैसे बढ़ाओ। ये भगवान क्या जुलूम है। और फिर मैंने शुरू करवाया अपना पेडिक्योर, काफी टाइम से मेरे पैर बड़े गंदे से हो रहे थे, तो फिर उन्होंने पहले नेल कट करके उनको फाइल किया एंड उनके ऊपर एक बढ़िया सी क्रीम लगा के
उनके ऊपर की डेड स्किन भी हटा दी, फिर पैरों को ब्रश से रगड़ के साफ किया, काफी ज्यादा मैल निकली यार। मैं इतनी देर चाय पी और उन्होंने बढ़िया एक एक्सफोलिएशन वाली क्रीम भी लगा दी और मस्त गर्म पानी से धो दिया और बची कुछ ही डेड स्किन निकाल के मस्त मसाज दे दी पैरों पे, मजे आ गए, एकदम रिलैक्स फील हो गया। और फिर वही सेम चीज मेरे हाथों के साथ भी करी जिसको कहते हैं मैनिक्योर, नेल कट करके फाइल करे और फिर क्रीम लगा के गर्म पानी में डुबा के डेड स्किन निकाल दी और फिर बढ़िया वही ब्रश से हाथ अच्छे से साफ कर दिए, जो कि थोड़ा सा अननेसेसरी लगा मेरे को क्योंकि भाई मैं हाथ तो धोता ही हूँ। लेकिन फिर उन्होंने धो के एक्स्ट्रा डेड स्किन निकाल के मस्त मसाज कर दी हाथों की, एकदम रिलैक्स हो गया। एंड इन सर्विसेज को मैं रेट करूंगा इतना, मजा आ गया ब्रो। आपको बेस्ट सर्विस कौन सा लगा नीचे कमेंट्स में बताओ एंड हमें कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट पार्ट में कौन सी सालों सर्विसेज को रेट करें। और तब तक के लिए आप जाके देख सकते हो हमारे बाकी हेयर वाले वीडियो, स्किन वाले वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं, सारे बिंज वॉच कर लो। एंड अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। एंड बाय द वे इस वीडियो पे भी हम गिव अवे कर रहे हैं 5000 रुपीस किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। आपको बस हमारे चैनल के आपके फेवरेट वीडियो में से कोई भी 30 सेकंड्स निकाल के शॉर्ट्स या रील्स पे पोस्ट करने हैं किसी भी अकाउंट पे एंड जिस जिसके वीडियो वायरल हो जाएंगे उन सबको हम 5000 रुपीस का एक गिव अवे करेंगे एवरी मंथ। योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।